नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर, या कहिए 12वीं की परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि 10वीं की पहले ही रद्द हो चुकी थी, और CBSE की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अब इसमें क्या निर्णय लिया गया है, और इसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री उनका क्या कहना है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री उनका क्या कहना है, और हमारे केंद्र से जो शिक्षा मंत्री उनका क्या कहना है, किस प्रकार से आपका रिजल्ट जारी होगा, इस वीडियो में हर विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो को देख सकते हैं, और जो भाई पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं रेगुलर लेटेस्ट अपडेट के लिए। देखिए, कल मीटिंग हुई थी और CBSE की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में किया फैसला, कहा छात्रों की सेहत और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इस माहौल में एग्जाम लेना सही नहीं है, भविष्य में चीज़ें होती रहेंगी। CISCE की भी परीक्षा रद्द, राज्यों के बोर्ड भी इसी राह पर चलेंगे। हरियाणा बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द, CBSE की तर्ज पर हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। हालांकि कोविड की स्थिति सामान्य होने पर विद्यार्थियों के पास परीक्षा देने का विकल्प मौजूद रहेगा। CBSE के 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मंगलवार देर शाम यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भविष्य में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से यह विकल्प रहेगा कि अगर कोई छात्र परीक्षा देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो अगर CBSE की बात करें तो 14,30,243 विद्यार्थी जो इस साल CBSE में पंजीकृत थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि परीक्षा रद्द करने का फैसला व्यापक विचार विमर्श के बाद किया गया है, यह छात्र हितेशी और युवाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और भविष्य के लिए है। ठीक है, और अब इसलिए रद्द हुई परीक्षा, पीएम मोदी नहीं चाहते थे कि टीकाकरण के बिना छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा हो, इसलिए सुरक्षा के मद्देनज़र यह फैसला किया गया। बार बार परीक्षा टलने से छात्रों का अगला सत्र भी प्रभावित होने की आशंका थी, खासकर जिन्हें इंजीनियरिंग, मेडिकल, वैद्य जैसे पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा देनी थी या विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जाना था। अब रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, पिछला प्रदर्शन इसके लिए जो है आधार बनाया जाएगा। परिणाम तय करने के लिए विद्यार्थियों का पिछला प्रदर्शन भी आधार रहे होगा। उम्मीद है राज्य शिक्षा बोर्ड भी अपने प्रदेशों में 12वीं की परीक्षा निरस्त कर देंगे। ज़्यादातर राज्य CBSE को लेकर केंद्र के फैसले का ही इंतजार कर रहे थे। CISCE के सचिव गैरी अराथून ने बताया कि वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली के बारे में जल्द ही घोषणा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज के इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।